नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा क्षेत्र में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों का संधारण किया जा रहा है ताकि नवरात्र से प्रारंभ हुए त्योहारी सीजन में शहर में प्रकाश व्यवस्था बनी रहे और किसी अप्रिय घटना का सामना किसी को न करना पड़े। वर्तमान में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से पूरे शहर भर में मनाया जा रहा है और ऐसे में भिलाई शहर की कई सड़कें अंधेरे की चपेट में है, जिसे देखते हुए निगम भिलाई द्वारा क्षेत्र की सभी स्ट्रीट लाइटों का संधारण किया जा रहा है। सुपेला चौक से गदा चौक के बीच भी स्ट्रीट लाइटों का संधारण किया जा रहा था। जब हमारी टीम ने इसे कवर किया तब देखा कि खंभों के बीच में लगी हुई बिजली की तारें काफी नीचे से होकर गुजर रही हैं और जगह जगह इन तारों को काट कर जोड़ा गया है और कुछ तार तो सड़क पर भी फैले हुए हैं। जिन तारों को जोड़ा गया है और जो तार सड़क पर फैले हुए हैं उन पर टेप नहीं लगाई गई है। ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। निगम प्रशासन को लाइटों के संधारण के साथ इन बिजली के तारों को भी व्यवस्थित और सुरक्षित करने की जरूरत है ताकि खुले हुए बिजली के तारों से कोई घटना या दुर्घटना ना हो जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।